राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी काम की वीडियो शेयर करने वाली हूं जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ प्याज काटने का एक ऐसा हैक शेयर करूँगी। उस हैक के ज़रिए अगर आप प्याज को काटेंगे तो आपका प्याज एकदम बारीक बारीक कटेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्याज की जो ऊपर वाली परत है उसको आप निकाल लीजिए और जो नीचे वाली जड़ है उसको भी आप काट कर अलग कर दीजिए। और जड़ के अंदर भी एक वाइट वाला येलो वाला पार्ट नज़र आ रहा होगा, उसको भी आप नाइफ की सहायता से खुरेद कर निकाल लीजिए। पर ऊपर वाली स्टेम को हमें नहीं काटना है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। फिर पूरे गोल प्याज में आप कट लगा लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पूरे गोल प्याज में आप कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद फिर आप इसको नाइफ की सहायता से काटेंगे ना तो प्याज एकदम बारीक बारीक कटेगा। जिसको बारीक प्याज नहीं काटना आता, वो इस ट्रिक के ज़रिए अपने घर पे प्याज काटेगा तो एकदम बारीक बारीक प्याज कटेगा, ये देखिए। और जब नाइफ चलानी है तो एकदम मतलब छोटी छोटी स्टेप लेकर नाइफ के साथ प्याज की कटिंग करनी है। बड़े बड़े स्टेप नहीं लेने, फिर प्याज मोटा ही कटेगा। छोटे छोटे स्टेप लेकर प्याज को काटिएगा तो प्याज हमारा एकदम फाइनली चॉप्ड होगा, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद आप इसकी ऊपर वाली स्टेम को फेंक दीजिए। तो ये देखिए, हमने कितने सिंपल तरीके से प्याज को काट लिया। और जिसको प्याज बारीक बारीक काटना नहीं आता, वो इस हैक को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब तो दोस्तों, इस टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना मेकअप रिमूवर के हम अपनी मैट लिपस्टिक को कैसे उतारें। तो ये देखिए, मैंने अपने हाथों पर लगा ली है मैट लिपस्टिक। जब मैट लिपस्टिक अच्छे से सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो इसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना मेकअप रिमूवर के हम इसको नहीं उतार पाएंगे। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर ना हो तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके अपनी मैट लिपस्टिक को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैट लिपस्टिक को हाथों पर लगा लिया है, काफ़ी जोर आजमाई कर रही हूँ पर वो उतरने का नाम ही नहीं ले पा रही है। पर अगर आपके पास ये चीज़ एक होगी घर पर, तो बहुत आराम से आप अपनी मैट लिपस्टिक को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए नारियल का तेल। हाँ जी फ्रेंड्स, नारियल के तेल से हम अपनी इस लिपस्टिक को आराम से उतार पाएंगे। थोड़ा सा हम नारियल का तेल लेंगे और इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, अच्छे से घिसे, हल्के हल्के हाथों से घिसना है, जोर भी नहीं लगाना। और देखना, बिल्कुल आराम से हमारी जो मैट लिपस्टिक है वो निकल आएगी। आप इस कपड़े की सहायता से इसको वाइप कर लीजिए। तो देखो, लग ही नहीं रहा कि मैंने यहाँ पर मैट लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो जब कभी आपके पास मेकअप रिमूवर खत्म हो जाए तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। दोस्तों, अक्सर आपको भी ऐसी वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा जो अभी मेरे सामने आ रही है। मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ पर मुझे रोटी बनाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि जो पेड़ा मैंने लिया है रोटी बनाने के लिए, वो बार बार बेलन के साथ चिपक रहा है, जिससे मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था रोटी बनाने में। और गुस्से में मैंने रोटी को छोड़ दिया। पर आप भी ऐसे करते होंगे, पर हमें ऐसे नहीं करना। जब कभी भी आप चपाती बनाने के लिए बेलन ले तो आप ये वाला काम जरूर कर लीजिएगा। आप सबसे पहले बेलन को हल्का हल्का सेक लीजिए गैस स्टोव के ऊपर। हल्का हल्का सेकना है, जिससे ये होगा कि जो बेलन में मॉइस्चर आ चुका है, जिसकी वजह से रोटी हमारी अच्छे से नहीं बन पा रही है, वो पेड़ा जो बेलन के साथ चिपक रहा है, ऐसे करने से वो चिपकना बंद हो जाएगा, क्योंकि बेलन के बीच में जो मॉइस्चर इकट्ठा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब भी आप रोटी को बेलोगे तो रोटी आपकी कभी भी बेलन के साथ नहीं चिपकेगी। जितनी भी आप रोटी बना लोगे वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, आराम से आपकी सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। पर जब भी आप रोटी बनाओ, उससे पहले इस ट्रिक को जरूर ट्राई कर लीजिएगा कि रोटी बनाने से पहले आप बेलन को हल्का हल्का गैस स्टोव के ऊपर सेक लीजिए। जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का इसको सेकना है। तो अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आपको पता है कि जब कभी भी हम सिलेंडर नया खरीदते हैं तो उस सिलेंडर के ऊपर एक डेट लिखी होती है। उस डेट का या उन नंबरों का क्या मीनिंग होता है? कई लोगों को तो इनका मीनिंग ही नहीं पता कि इन नंबरों का क्या मीनिंग होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं या खुद से प्यार करते हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर की ये एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि हमारा ये सिलेंडर
सिलेंडर है कब जाकर एक्सपायर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे जो सिलेंडर के ऊपर D28 लिखा है, तो इसकी एक्सपायरी डेट है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2028 में ये सिलेंडर मेरा जाकर एक्सपायर होगा। उससे पहले हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, पर जब आपको लगे कि वो डेट पास आ रही है, मान लीजिए कि अभी चल रहा है दिसंबर और 2028, तो ये सिलेंडर एक्सपायर होने वाला है, आप इसको यूज़ ना कीजिएगा। ये मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको चेंज करवा के दूसरा सिलेंडर ले सकते हैं। इसी तरह से हम एक और सिलेंडर देख लेते हैं, ये हमारे किचन में लगा हुआ है और इसके ऊपर डेट लिखी है D26। इसका मतलब है कि ये सिलेंडर हमारा एक्सपायर होगा 2026 में अक्टूबर दिसंबर के बीच में, उससे पहले हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, हर एक नंबर का एक मीनिंग होता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सिलेंडर के ऊपर लिखे A26, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये सिलेंडर जनवरी से लेकर मार्च तक 2026 में जाकर एक्सपायर होगा। अगर उस सेम नंबर लिखा हो B26, तो वो अप्रैल से लेकर जून में जाकर एक्सपायर होगा। और लिखा हो C26, तो उसका मतलब है कि ये जुलाई से लेकर सितंबर तक जाकर एक्सपायर होगा। और D लिखा होगा तो वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में एक्सपायर होगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर में आपको बता रही हूँ, पर आप जब कभी भी सिलेंडर खरीदे तो सिलेंडर के ऊपर नंबर देख के उसकी एक्सपायरी डेट को जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, जब कभी भी हम महीने का राशन लेकर आते हैं और राशन ज़्यादा होने की वजह से जब हम इसको कंटेनर में फिल करने की कोशिश करते हैं, तो जितना राशन कंटेनर में आएगा हम उसको डालेंगे, बाकी राशन हम ऐसे ही लिफाफे में रहने देते हैं। हम इंडियन के घर में आज भी ऐसे ही लिफाफे में राशन रखते हैं, और जब भी हमें इस्तेमाल करना हो तो लिफाफे में से निकाला और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पर इस तरीके से लिफाफे में राशन को रखना मतलब अनाज की बर्बादी, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसमें नमी आ जाएगी, इसमें कीड़ा आती लगने का भी डर रहता है। उस टाइम आप इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से खाली पड़ी हुई बॉटल्स आपके घर में होती ही होंगी, बच्चों की दवाई की बॉटल्स या ऐसी वाली छोटी पानी की बॉटल, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आप बॉटल के ऊपर वाले जो पार्ट को है कट कर लीजिए, कट करने के बाद आप उसको ऐसे पॉलिथीन में पिरो लीजिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसके बाद आप कैप को बंद कर लीजिए, तो ये लिफाफा ही आपका एयर टाइट कंटेनर का काम करेगा। लिफाफे को मतलब बॉटल्स के कैप बंद करने से पहले आप उसमें जो इतनी भी एयर है ना उसको बाहर निकाल दीजिए, फिर कैप को बंद कर दीजिए, और साइड से जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन निकला हुआ आप उसको सीजर की सहायता से काट सकते हैं। जब भी आपको राशन निकालना हो, कैप को खोलो और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी आप निकालो, फिर से आप कैप को बंद करके रख दीजिए। आई होप आपको ये वाला टिप पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी इस वीडियो को आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।